I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. शर्ट बहुत अच्छी है। ए महालक्ष्मी, फ्री हो गई क्या? क्यों, क्या हुआ? कुछ टाइम का आता पता है कि नहीं? ए, ये क्या बकवास कर रही हो? ये शर्ट बहुत अच्छी है, इसे 10 साल बाद मेरा बेटा भी पहन सकता है, इसीलिए संभाल कर रखने के लिए बोला था ना। हाँ हाँ हाँ। निकाल निकाल निकाल, 50 रुपए निकाल, रोना कर आ जाएगा। अभी और टाइम बाकी है उसे आने मेरे को। निकाल ना। हाँ, वो आ गया, देखो पैसे पैसे रेडी रखो। निकालो पैसा अंकल जी, पैसा इधर लाओ। रुको, स्कूटर स्टार्टिंग ट्रबल दे रहा है। ए, ये स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्ट हो गया, चलो निकालो 50 रुपए निकालो। उसने हेलमेट भी पहन लिया। अब तो निकाल, चल 50 रुपए निकाल, अब जल्दी निकाल, जल्दी निकाल। देखा ना, स्कूटर बंद हो गया। रुक जा, सिर गरम हो गया होगा। मैं कितनी भी महंगी गाड़ी ले लूं, लेकिन तेरी बात ही अलग है। ए महालक्ष्मी, गाड़ी को कवर लगा दो और शाम को फ्री रहना। हाँ, अरे पैसा निकालो ना, उससे पूछ कर। ए अंकल जी, ए रुको एक मिनट जरा। क्या हुआ मोहन काका, शांति से एक जगह नहीं रह सकते? पागलों की तरह इधर उधर टहलते क्यों रहते हो? तुमसे पहले तुम्हारा पेट गेट के अंदर घुसता है। पेट को नमस्कार करता। वो सब रहने दो, ये बताओ कि स्कूटर के तुमने कितने पैसे दिए? पैसे कितने दिए? ये स्कूटर लेने के लिए मैंने एक भी पैसे नहीं दिए, इसे तो मेरे मामा ने मुझे दी है। 20 साल पहले 2500 कीमत होगी, पेट्रोल का भाव भी बहुत कम था। तुझ पे भरोसा करके अब तक 5000 रुपए का नुकसान हो गया है, मुझे जानता है। मुझ पर भरोसा के लिए थैंक्स। नुकसान कैसे हुआ? आप ये गाड़ी ऑफिस ले जाएंगे ये कह के रोज मुझसे 50 रुपए शर्त में आते थे। क्या बात कर रहे हो मोहन काका, दिमाग एकदम खाली है क्या? आजकल जो पेट्रोल का भाव है उसमें गाड़ी रखी है कम बात है? मैं रोज ऐसे ही करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, बंद करता हूँ और बस से जाता हूँ। अगर तुम्हारी तरह होता तो गाड़ी कब की बेचकर पैदल जा रहा होता। तू सिर्फ कंजूस ही नहीं है, महाकंजूस है। ए, इसे कंजूसी नहीं, बुद्धिमानी कहते हैं। घर के कुएं में खाने पर मछली मिल जाए तो मार्केट से कौन खरीद कर लाता है? पागल कहीं के। जानते हो, अगर तुम कुएं में उतर कर मछली पकड़ोगे ना तो वो बहुत बुरी बात होगी। चलक, जाओ यहाँ से। तू जा यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। 5000 रुपए कमाए, 500 रुपए कमीशन ला। मैं जाता हूँ। इधर, अरे देखे जा, बिना पैसे दिए ही चला गया। कर ये अभी क्यों आ गया? हाय करुणाकर। बाय। क्यों सिद्धराज जी, आपकी कार है क्या? नहीं, मैं हेलीकॉप्टर से आया हूँ। मैं ऑफिस जा रहा था, मुझे ड्रॉप करेंगे? ड्रॉप को रहने दो, तुमसे थोड़ी सी बात करनी थी, चलो अंदर चलके बात करते। अरे नहीं नहीं, अंदर नहीं, एक हफ्ते से साफ सफाई चल रही है, बहुत गंदगी पड़ी है, यहीं बताइए। अरे गंदगी बंदगी को छोड़ो, अंदर चल के आराम से बैठ के बात करते हैं, चलो आ जाओ अंदर। ये तो मना करने पर भी चला गया, एक बार ये अंदर गया तो बगैर खाए हिलता भी नहीं है, वो भी एक हफ्ते का खाना एक ही दिन में, गया काम से।
अरे बाप रे, आसन भी जमा लिया। सिद्धराज मामा आप ठीक तो है ना? दीदी कैसी हैं? वो भी ठीक है। और महेश योगेश सब एकदम अच्छे हैं। आप कॉफी पियेंगे या चाय? ये कॉफी चाय पीने का टाइम है क्या? इनको तो वैसे भी कॉफी से एलर्जी है, सही कहा ना मैंने? सही कहा, बॉर्नविटा ही देना। घर में आए हुए मेहमान को सबसे पहले पानी दिया जाता है, जल्दी लेकर आओ। आपको बॉर्नविटा चाहिए? एक रख कर दूंगा, होशियारी करते हैं, जाओ जल्दी। क्यों सिद्धराज जी, कैसे आना हुआ? तू बिल्कुल भी नहीं बदला है करुणाकर, पर पैसे बचाकर तूने अपने इस घर को बना लिया है। अरे नहीं नहीं, ये तो कंपनी की तरफ से है, आज की महंगाई में ऐसा घर। हे भगवान। मामा जी पानी। हाँ, हाँ तो निकलते हैं। वैसे परसों घर पे मैंने सत्यनारायण जी की पूजा रखी है, तो मैं सह परिवार जरूर आना है, तुम भी आना बेटी। हम जरूर आएंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम तीन लोग आएंगे और तीन दिन तक वहीं रुकेंगे, तीनों टाइम खाएंगे पिएंगे मजा करेंगे जैसा ठीक लगे। चाहे तो एक महीना रहकर वहाँ पे झंडा गाड़ देना, मना नहीं करूंगा। एक और बात तो मैं कहना भूल ही गया, हमारे साथ जो स्कूल में पढ़ते थे ना, वो सब भी वहाँ पे आ रहे हैं। अरे उन लोगों को क्यों बुलाया, फोकट का खर्च करने का शौक है? अरे हम कमाते हैं खर्च करने के लिए, कोई दूसरा खर्च करे इससे अच्छा है कि हम ही खर्च कर लें। हम खर्च करेंगे तो कैसा रहेगा? मुझसे तो ये सब नहीं होने वाला है, आप खर्च कर रहे हैं ना, मुझे बहुत खुशी मुझे है। जैसा ठीक लगे वैसा कर। पर तेरा बेटा कहाँ है, नजर नहीं आ रहा है? अभी उसकी कहानी क्यों सुनाऊं? सुनिए जी, हम लोग पूजा के लिए जा रहे हैं और साड़ी भी नहीं है। आप स्कूटर से चले जाइए, मैं और सूर्य ऑटो से आ जाएंगे, ठीक है? साड़ी नहीं है, स्कूटर और पति पुराना है। बकवास बंद करो, हम तीनों स्कूटर से जाएंगे। हम तीनों जाएंगे, वो भी स्कूटर पे। इसे उठाने के लिए चार कंधों की जरूरत पड़ सकती है। आप ही जाओ स्कूटर पे, मैं ऑटो में आ जाऊंगा। और वैसे भी मुझे दूसरा ही कोई काम है। तेरी बातें सुनकर समझ रहा हूँ तुझे क्या काम होगा, वो सब छोड़, हम तीनों स्कूटर से जाएंगे। टैक्सी से चलेंगे, यही अच्छा रहेगा। टैक्सी में नहीं, वैक्सी में नहीं, हम तीनों बस में जाएंगे। बस में? मम्मा बस में नहीं जाएंगे माँ, बस में वो उल्टी जैसा होता है। ए, बार में उल्टी नहीं होती है, बस में उल्टी होती है। चला। अरे आप भी ना, ये तो बच्चा है, नहीं मानेगा। आप बस से जाइए, हम दोनों स्कूटर पे आ जाते हैं, ठीक है? ध्यान रखना, संभाल कर लेकर आना। कंजूस मत कीजिए। ए, 35 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड में मत चलाना स्कूटर को। पापा 30-35 की क्या बात कर रहे हो, मैं तो 10 के ऊपर नहीं चलाऊंगा। मेंटेन में रखना होता है भाई, मेंटेन में रखना होता है। ठीक है ठीक है, इज्जत की बिल्कुल पड़ी नहीं है और मेंटेनेंस की पड़ी है। एक मिनट रुकिए मामा, देखता हूँ पेट्रोल है कि नहीं, इनका टैंक खाली रहता है। ओह सही है सही है सही है, फुल टैंक भरा हुआ है। लगता है पापा को कोई लॉटरी लग गई है। जाने दो, 6 महीने से ऐसे ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मान गया तुम्हारे पति को, कंजूस नंबर वन। आओ बैठो। आइए आइए बैठिए। इतना लेट क्यों हुआ? आपने ही कहा था 30 की स्पीड में चलाना है, और थोड़ा फास्ट चलाऊंगा तो मिलिट्री वाले पीछे पड़ जाएंगे, सोचेंगे बॉम्ब लेके घूम रहा हूँ। डब्बा खटारा स्कूटर है। ए, तू चाहे तो मुझे कुछ भी बोल ले, मेरी गाड़ी को कुछ मत बोल। वो तो पहले से ही पता था। गाड़ी को ठीक से लेकर आया है ना? इंसान की बॉडी की चिंता नहीं है, आपको गाड़ी की चिंता है, कमाल है। गाड़ी छोड़ दो, पूजा में ध्यान दो। मैं फोन करूंगी। Mm-hmm.
वैसे शंकर, तेरी बेटी की शादी की बात कहाँ तक पहुँची? वैसे तो सब कुछ ठीक है, है। पर उन्होंने शादी धूमधाम से करने को कहा है, है। लेकिन मैं क्या करूँ, पैसे की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही, कहीं से भी इंतजाम नहीं हो पा रहा। मेरी बेटी भी उस लड़के को पसंद करती है, है। लेकिन क्या करूं, मेरे जैसे गरीब आदमी की मदद कौन कर सकता है भाई? अरे भाई, इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? हम है ना, अरे हम तेरे दोस्त ही हैं, फिर किस बात की टेंशन ले रहा है तू? सही कहा ना दोस्तों? हाँ। देख शंकर, मंडप का खर्चा मेरा, लड़का लड़की के कपड़े का खर्च मैं दूंगा, खाने और नाश्ते का खर्चा मैं देख लूंगा। ठीक। मंगलसूत्र मेरी तरफ से। वो क्या? हाँ, बोली। अब और किस बात की चिंता है तुझे? तुम लोगों का ये उपकार मैं कैसे चुका पाऊंगा? मैं मंगलसूत्र नहीं दूंगा। हा? क्यों भाई? और क्या करूं भाई, उपकार मानने की बात कर रहे हैं। देखो, तुम खाली शादी की चिंता करो। ठीक, जैसा तुम लोग। सुनिए जी, जरा यहाँ आइए तो। क्या हुआ? ये क्या कर रहे हैं आप? शादी है, कोई मजाक है क्या? अगर तोहफा देना है तो कुछ अच्छा दीजिए ना, मंगलसूत्र क्यों बनवा कर दे रहे हो? ए, आज जो हमारा परिवार 3 टाइम का खाना खा रहा है ना, वो तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि शंकर के बाप की वजह से। मेरी पढ़ाई लिखाई से लेकर मेरी जिंदगी की हर जरूरत की पूर्ति उसके बाप ने की है। बेचारा शंकर ने तो पढ़ाई भी पूरी नहीं की, इसीलिए आज वो खेती कर रहा है, और आज उस बेचारे की परिस्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में अगर हम लोग उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हजारों झूठ बोलकर लोग शादी करते हैं, और एक सच्ची शादी में मैं मदद नहीं कर सकता? जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। मैं कंजूस जरूर हूं, लेकिन यही मेरे जीने का तरीका है। औरों की तरह झूठे आश्वासन देकर मैं किसी के विश्वास के साथ खिलवाड़ नहीं करता। सुनो, तुम्हें शादी में जाने की जरूरत नहीं है, हमारा बेटा ही मंगलसूत्र देकर आ जाएगा। लेकिन मैं क्यों जाऊं? नहीं, मतलब मैं क्यों जाऊं ये कह रहा हूं मैं। तेरे पापा को अचानक ऑफिस में काम आ गया, वो जा नहीं सकते। तू नाराज मत हो बेटा, तू देख कर आना प्लीज। क्या माँ, उनके फ्रेंड की बेटी की शादी में मुझे जाके अपने आप को टॉर्चर करना है ना? हाँ, अब ये क्या है? ओ, फाइल। ओके, अग्रीमेंट। ओ, मेरे नाम प्रॉपर्टी लिख दिए क्या? माननीय करुणाकर जी का बेटा होने के बावजूद आखिरी साल के बीए एग्जाम में 3 बार फेल होकर भी बिना शर्म के बेफिक्र होके घूमने वाला नालायक बेटा हूं मैं। मुझे मेरे ही अस्तित्व, योग्यता, मान मर्यादा, जिम्मेदारी का पता नहीं रहा। बेशर्म होके मैं गर्व से कहता हूँ कि इन सारी चीजों के बावजूद मेरे पिताजी मुझे पेट भर खाना देते हैं। मैं हट्टा कट्टा हो गया हूँ, फिर भी मुझे शर्म नहीं है। धूम्रपान, मद्यपान और भी सारे खर्चे, लफंगागिरी के भी सारे खर्चे, इन सब के लिए मैं अपने पिताश्री पर डिपेंड हूँ। आज जो बात हुई है उसके अनुसार अगर मैं पापा के दोस्त की बेटी की शादी में नहीं गया तो मेरे पापा जो भी मुझे सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं वो सारी फैसिलिटीज बंद करके घर से बाहर निकाल देंगे। शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं, पैरों में चप्पल नहीं, और इस हालात में बेल्ट से कितना भी मार सकते हैं। PTO, ये सब कुछ मैंने सोच समझ कर लिखा है, होशो हवास में लिखा हुआ है, और ये पूरी तरह से तय कर लिया है, और इस निर्णय के पीछे कोई भी जिम्मेदार नहीं है, सूर्या। पेन दीजिए पापा। सुपर हीरो। बस कितने बजे की है? ठीक है पापा, जाता हूँ।
माँ मैं आता हूँ ठीक है। Hi baby, how are you? Hi, I'm fine. Who are you? I'm also in the fine. Hey, Bhagwan, इसे तो English भी नहीं आती। तुम अकेली बैठी हो, तुम्हारी family कहाँ है? मेरी पूरी family आगे बैठी है। तो तुम यहाँ क्यों बैठी हो? Bore हो रही हूँ। रोज उनके चेहरे देख के मैं थक गई हूँ, uncle. Uncle, please uncle, window seat पे बैठने दीजिए। Flight में भी कभी window seat नहीं छोड़ा। तो फिर यहाँ कैसे छोड़ूंगा? अंकल प्लीज। डोंट वेस्ट। लो कर लो इधर। लो करो। हाँ, वॉमिट करने की एक्टिंग। ऐसी एक्टिंग मैंने बचपन में बहुत की है। इसमें तो बहुत टेढ़ा है। उठा रहा हूँ भाई, आ जाओ। हाँ। चाय पीते हैं, दो चाय देना। है तू शर्मा के अपनी। सिगरेट चाहिए क्या? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हाँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया। साइड दीजिए प्लीज। मेरे लिए तू उससे पहले। ए भाई चाय देना। अरे दे रहा हूँ भाई। सितारों में छुप रही थी कहीं। ये लीजिए बंटिया, एक सिगरेट दे। तुझे जमीन पे। क्या बात है, तू तो बहुत अच्छा गाता है। क्या करूं साहब, अकेले खड़े खड़े गुनगुनाता हूं। आप ही लोगों से तो मेरा धंधा चलता है और मेरे गानों से आप लोग खुश होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। ये लीजिए। ओहो सही है। थोड़ा बहुत गाते रहता हूं। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। क्या दो भाई, एक तू ही धनवान है, बाकी हम सब है कंगा। तो पूरा जाम है भाई, जरा जाके देखना। ये जाम क्यों लगा है? फोन करके पूछ लो उसको। हेलो, क्या हुआ भाई? तू कहाँ पर है? अरे यहाँ पर भी अपने रास्ते में बहुत ट्रैफिक जाम है, मैं तो फंस गया। ए, हम लोग भी वहीं फंसे हैं। 3 घंटे से मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ, ट्रैफिक क्लियर होने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ। काम करो, तुम पुणे के पैसेंजर मेरे पास भेजो और मैं मुंबई के पैसेंजर तुम्हारे पास भेजता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, भेज दो। ठीक रहेगा। हाँ भाई एक मिनट, सब लोगों को उस गाड़ी में भेजता हूँ। हाँ ठीक है। हेलो हेलो, उठिए जल्दी, उठिए भाई, जागिए। अरे आगे एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए पूरा रास्ता जाम पड़ा हुआ है। आगे हमारी बस खड़ी है, KA02144। अपना अपना सामान लेकर के उतर जाइए प्लीज। चलिए जल्दी करिए, चलिए चलिए प्लीज। आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। चलो 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 चलो। अरे अपना सामान ले लो भाई। अरे आगे चलो ना, अब मैं तुझे दिखाती हूँ। बस से सब उतर गए ना बेटी? अंकल, अंदर अब अंदर कोई नहीं है ना। चलो आइए आइए आइए, जल्दी आइए।
ये क्या वॉमिट करके इतनी बड़ी हो गई? बच्ची? आप उसकी मम्मी है ना? आगे बैठी थी ना? अरे क्या बात भी नहीं कर रही है, घमंडी होगी और क्या? कन्फर्म घमंडी है। फिर भी एक बार ट्राई करके देखता हूँ। हाय, कैसी हैं आप? हाय, आप बात ही नहीं कर रही है, पता नहीं क्यों। क्या प्रॉब्लम है? जहां मैं जा रहा हूं वहीं जा रही हैं आप? पक्का कंफर्म घमंडी है। चलो दम मार के आते हैं। जिंदगी एक सिगरेट दे यार। सफर है ये कैसा सफर, कोई ये आदमी भी वही है, जगह भी वही है, ये फिर से कैसे आ गए? हम यहीं पर खड़े हैं और आप सभी आज आते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, पूना यहाँ से कितना दूर होगा? क्या कहा, पूना? अरे भाई, ये बस मुंबई जा रही है। आगे रास्ते में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, इसकी वजह से हम लोग वापस लौट आए। फिर से मुंबई? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। तुम क्या बस से नहीं उतरे थे क्या? वहाँ तो सारे पैसेंजर उतर गए थे, तुम नहीं उतरे? क्या पका रहा है यार, अगर मैं शादी में नहीं पहुंचा तो मेरी तो बर्बादी हो जाएगी। भैया चाय लेंगे क्या? अरे अपनी चाय अपने पास ही रख। इसका भी सेम केस है क्या? बहुत ही डेंजर केस है। हेलो, क्यों क्या हुआ, झील के पास आ गई? हेलो मैडम, हेलो, सुनाई नहीं देता क्या मैडम? अरे अरे क्या 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 हुआ, क्यों गिर गई? हेलो हेलो, उठो ना। हे भगवान। अरे सुसाइड करने का सही वक्त और सही जगह होती है, पता है? हाँ, मैं यहाँ सुसाइड करने नहीं आई थी, वो तो मैं स्लिप होकर गिर गई। तुम्हें कोई बोलने वाला और पूछने वाला नहीं है क्या? क्या यार, ये मरने की उम्र है क्या? बाल बाल बच गई, अगर मैं नहीं आता ना तो तुम्हारी कहानी खत्म हो जाती। हेलो, मुझे स्विमिंग आती है। ओके, अगर तुम्हें स्विमिंग नहीं आती तो तुम पानी में क्यों उतरे? अगर ऐसे ही दिन में चार बार स्लिप हो तो अपने आप तैरना आ जाएगा। तुम कौन हो यार, इंटरनेशनल स्विमर हो क्या? तैरना सिखाने आ गई, मुझे कोई कुछ नहीं सिखाता, पापा भी नहीं। अरे यार, अरे अरे यार, बस गई क्या? माँ कसम,
बस गई, मंगलसूत्र गया, मेरी बैग गई। अगर मैं घर जाऊंगा ना तो मेरे पापा मुझे लटका लटका कर मारेंगे। अरे यार अब क्या करूं मैं, मैं तुम्हें बचाने आया और अपना सब कुछ खो दिया। अरे भाई लड़की बड़ी सुंदर है, एक बात बताओ तुम दोनों भाग कर आए हो क्या? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ओ, हाय। वो क्या हुआ कि अबे वहाँ क्या देख रहा है? ओए उधर कुछ नहीं है, मैं इधर हूँ। तुम दोनों तो पूरे भींग गए हो। अरे किधर जाना है तुम्हें ये तो बता दो, अगर नहीं बताना है तो कम से कम ये बता दो कैसे जाओगी। हाँ नो थैंक्स, मुझे मुंबई का रास्ता पता है, मैं चली जाऊंगी। यार ये अकेली रात ऊपर से लड़की साथ में गीली गीली सी, दिल में कुछ कुछ होता है। अरे यार हम बुरी तरह फंस गए और इसके पास कॉल करने के लिए कोई नंबर भी नहीं है। देखो तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे जरूर कॉल करना, कोई मदद करे या ना करे लेकिन मैं जरूर मदद करूंगा। सुनो बैठो ना। मैं नहीं आ रही हूँ, थैंक यू। गुलाबी साड़ी पहनी हुई एक लड़की के साथ दो लड़कों ने कुछ अत्याचार किया, ऐसी न्यूज आएगी कल के पेपर में और पेपर के टीवी में भी न्यूज आएगी, जानता हूँ मैं। सुनो हमें अच्छी तरह पता है कि तुम प्रॉब्लम में हो, इसीलिए तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। आधी रात को तुम्हें अकेला छोड़ूं क्या, वो भी बीच सड़क पे? और ऊपर से इतना सारा सोना पहनकर रात में ऐसे घूमना अच्छा नहीं है। अरे कल की बात बताऊं, कुछ चोरों ने ना सीसीटीवी कैमरा को तोड़ दिया और एटीएम से सारे पैसे लेकर भाग गए और इतनी रात गए, एक अकेली लड़की ऐसे घूमेगी वो भी विदाउट सिक्योरिटी के, कितना रिस्क बढ़ जाता है। रिस्क बढ़ जाएगा, चोर आएंगे तुझे लूट के भाग जाएंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक बार सोच लो। अब कितना सोचोगी, आओ गाड़ी में बैठ जाओ। सुनो आज के बाद रात में तुमको कभी भी किसी भी टाइम हेल्प की जरूरत पड़े मैं हाजिर हो जाऊंगा, मुझे कॉल करना, ओके ना? भलाई का जमाना ही नहीं है यार। एक काम कर, गाड़ी तू चला। ठीक है मैं चला रहा हूँ, वैसे मैडम मैं गाड़ी बहुत अच्छी चलाता हूँ। चुपचाप गाड़ी चला बे। हाँ चला रहा हूँ ना, तो गिफ्ट दे ऊपर से इतना भाव खा रहा है ये आदमी। हेलो हेलो, करुणा करना? नहीं मैं इंडियन क्रिकेट टीम का पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर बोल रहा हूँ। ए शंकर मैं करुणाकर ही बोल रहा हूँ, बोलना क्या बात है, शादी की पूरी तैयारी हो गई? क्या बोल रहा है? ए, कोई दरवाजे पर आया है, मैं बाद में फोन करता हूं, ठीक है? ए, तू यहां क्या कर रहा है? मंगलसूत्र कहां है? मंगलसूत्र कहां है? मंगलसूत्र कहां है? तुम अंदर जाओ। हाँ आओ बेटी, आओ आओ अंदर आओ, जाओ जाओ। मैं तुझसे ही पूछ रहा हूँ मंगलसूत्र कहाँ है बता। अरे अंकल ये तो शादी में ही जा रहा था मगर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, ये जिंदा बच गया यही बहुत है अंकल। क्या बोल रहा है, क्या बात है बता। क्या अंकल आप भी ना, सब कुछ सही सही बोल रहा हूँ फिर भी आपको यकीन नहीं होता मेरी बातों का। ए तू चुप रह, कौन है ये लड़की? अरे हमें रास्ते में मिली, मैं तो मदद कर रहा था उसकी। क्या मदद कर रहा था, ये सब क्या कहानी है बता। आपको हम पर यकीन है ना पापा? हाँ हाँ। आप एक काम कीजिए, लड़की से पूछ लीजिए। हाँ। आपको सब कुछ पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। सुनो तुम मुझे कहाँ और कैसे मिली सबको बता दो। रुको बेटी। नहीं सूर्या, ये लड़की तुम्हें कहाँ से मिली? माँ ये लड़की मुझे बस में मिली और बस मिस हो जाने की वजह से हम दोनों एक दूसरे के साथ आ गए। बस मिस होने की वजह से? लेकिन मंगलसूत्र कहाँ है? पापा बस के प्रॉब्लम की वजह से ये लड़की मिली है, आप चिंता मत कीजिए, रिलैक्स। क्यों मैंने सही कहा ना? ऑफ कोर्स, वरना बहुत मारूंगा। ये क्या नाटक चल रहा है, मैंने तुझे शादी में भेजा था
रास्ते में बस बदल गई, मंगलसूत्र खो गया और ये लड़की मेरे घर पे आ गई। ये क्या कहानी सुना रहा है तू? तेरी लापरवाही से तंग आ चुका हूँ, तुझे घर से निकाल दूंगा। अंकल, यू नो व्हाट वॉकिंग इज? ये कौन सी भाषा में बात कर रहा है? अरे मैं ये कह रहा था अंकल, ओके काम 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 बस रिलैक्स। तू चुप हो जा यार। तू इधर आ, इधर आ। तुम्हारे साहबजादे को बोलकर कोई फायदा नहीं है। पूछो इस लड़की से क्यों यहाँ आई है, पूछो। मैं पूछती हूँ। ये सब क्या है बेटी? क्या तुम मेरे बेटे को जानती हो? या फिर तुम दोनों के बीच में कुछ लवशव चल रहा है? आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। मेरा नाम है नंदिनी और मैं एक अच्छे खानदान से हूँ। मेरे पापा का नाम है श्री धीरेन्द्र गौड़ा। श्याम जी। पापा देखो नंदिनी तैयार हुई या नहीं। ठीक है देख के आता हूँ। पापा हाँ तैयार है। वो मंदिर से घर पे लौटी नहीं लेकिन उसने चिट्ठी छोड़ी है। आप आइए ना। मैं एक मिनट में आता हूँ। मेरे प्यारे मम्मी पापा और मेरे छोटे भाई बहनों को सबको मेरा प्यार और स्नेह और पूरे धीरेन्द्र खानदान को मेरा ढेर सारा प्यार और प्रणाम। मैं सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मुझे घर छोड़ के जाने का इतना बड़ा कदम लेना पड़ा। मैं इस शादी के लिए अभी तैयार नहीं हूँ और ये बात आप सबको कहने से बहुत संकोच कर रही थी, इसलिए सारी बातें चिट्ठी में लिखनी पड़ी। मुझे अभी शादी नहीं करनी और ना ही मैं अभी तैयार हूँ पापा, और जब मैं तैयार हो जाऊँगी सबसे पहले घर लौटूंगी और आपको भी बताऊंगी पापा, क्योंकि आप ही मेरे सब कुछ हो पापा, और इसलिए आपका हर निर्णय सर आंखों पर होगा। पर फिलहाल मैं अपने आप को जानना चाहती हूँ पापा, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ओह समझ गया समझ गया, बहुत अच्छे से समझ गया। तो अभी तुमने आगे क्या सोचा है? फिलहाल तो कुछ नहीं सोचा है, पर मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। हाँ। एक जवान लड़की अकेली जा रही है, गलत हाथों में लग गई तो खेल खत्म। आंटी क्या मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए आप लोगों के साथ रुक सकती हूँ? क्या कहा? तुम यहाँ रुकोगी? यहाँ रुकने के लिए ये कोई धर्मशाला नहीं है, तुम जाकर किसी मंदिर में रुक जाओ। देखो बेटी, हम तीन लोगों के लिए ही दो वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से मैं जुटा पाता हूँ। ऊपर से ये चिंपांजी आदम का है, इसके लिए खाने का अलग से बंदोबस्त करना पड़ेगा मुझे। क्या क्या करूँ मैं? देखो बेटी, मैं तुम्हें यहाँ इतनी तकलीफ में नहीं रख सकता। सोचो अगर मेरी जगह पर तुम होती तो क्या करती, बताओ। ये घर मेरा नहीं है, ऑफिस वालों ने मुझे रहने के लिए दिया है, आश्रय देने के लिए नहीं। समझ गई ना महालक्ष्मी? महालक्ष्मी तुम्हें इसे समझाओ वरना। अरे यार आज तक मेरे बाप जैसा कंजूस इंसान कभी नहीं देखा यार। सच बोल रहा है यार तू। माँ आप ही बोलिए ना। क्या करूँ, तू तेरे पापा को जानता है ना। तू बोले तो अंकल से मैं बात करूँ क्या? ठीक है लेकिन संभाल के। अंकल आप चाहे तो लड़की यहाँ रह सकती है। बिल्कुल नहीं रहेगी। आज आपने साबित कर दिया कि आप एक नंबर के कंजूस हैं। तुम दोनों को कह देता हूँ मेरे घर में खिटपिट बिल्कुल नहीं चाहिए। सुनो बेटी तुम अंदर जा। महालक्ष्मी ये क्या बोल रही हो तुम? मैं इसे घर से बाहर जाने के लिए बोल रहा हूँ, तुम अंदर जाने के लिए बोल रही हो। इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है क्या? तुम दोनों मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ निकलो। चल चल चलते हैं। चलता हूँ अंकल। जाओ यहाँ से। अभी तुम फ्री हो क्या? मेरा मतलब है कि तुम अंदर जाकर देख लो, वो लैंडलाइन है ना उसे लॉक कर दो, कहीं वो लड़की अपने घर वालों को फोन करके पूरे घर वालों को यहाँ बुला लेगी तो। अभी वैसे ही मेरे घर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 बाप रे इतने लोगों का खर्चा कैसे उठाऊंगा। क्या हो गया, इतना धुआं क्यों उठ रहा है घर में, कहीं आग लग गई क्या?
हे भगवान, अरे आग नहीं लगी है, वो लड़की सुबह उठकर पूजा पाठ कर रही है। कंजूस दिमाग है ना, पूजा के लिए ये सब करना पड़ता है, आप नहीं समझेंगे। धूप बत्ती का धुआं है। क्या कहा, धूप बत्ती है? हाँ। इतना धूप बत्ती करने से कहीं भगवान आते हैं क्या? अरे रे, इतना धूप बत्ती कर रही है, कहीं भगवान का दम ही ना घुट जाए। हो गया हो गया, भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। अंकल आरती ले लीजिए। अरे रे, कपूर जलाया है, इतना महंगा कपूर है, सब खत्म कर देगी। अरे हे भगवान, माफ करना भगवान। माँ, ये धुआं कहाँ से आ गया? आग लगी है क्या? फायर ब्रिगेड को बुलाऊं? ए, क्या बकवास कर रहा है? नंदिनी धूप बत्ती कर रही है। ओह अच्छा, इसलिए इतना धुआं धुआं है। अच्छा, भला करेगा भगवान उसका भला। सुन सुरिया, ये रख, ये कुछ पैसे हैं। मेरी बात ध्यान से सुन, इस पैसे से नंदिनी के लिए कुछ आपको अच्छे से, उस पे बहुत प्यार आ रहा है। रहने देना, तू ड्रेसेस लेके आ। वो जब तक हमारे घर में है उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझा? और सुन, ये पैसे तेरे पापा से छुपा कर लाई हूँ। हाँ समझ गया, उसके लिए इतने सारे पैसे दे दिए। आप कहें तो अपने लिए एक शर्ट ले लूँ, क्योंकि कॉलेज के लिए भी शर्ट नहीं है ना। क्या कहा? ठीक है ठीक है, मैं ड्रेस ले आता हूँ। जा। सूर्या, तुम्हें पता नहीं सिगरेट सेहत के लिए अच्छी नहीं होती? दारू भी तो सेहत के लिए हानिकारक होता है, लेकिन फिर भी शौक से पीते हैं लोग। नंदिनी, तुम्हें ये सब पीने वाले पसंद नहीं है? दारू पीने वाले और सिगरेट पीने वाले दोनों ही लोग मुझे पसंद नहीं। सूर्या, तुम्हें एडवाइस देना मेरा काम था, समझना और ना समझना तुम्हारा काम है। आशा करती हूँ कि तुम सुधर जाओगे। ठीक है, थैंक यू, वेलकम। तुम्हारे गले में जो चेन है उसमें लॉकेट है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दिया है क्या? नहीं। तो फिर? मेरे मम्मी पापा। अरे वाह, इनकी फोटो क्यों? क्योंकि मैं इन दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और ये लॉकेट देखकर मुझे उन दोनों की याद आती है। ओह अच्छा, तो ठीक है। एक बात बताओ, तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? मैं सबसे ज्यादा प्यार खुद से करता हूँ। खुद से क्यों? अपने आप से प्यार करना चाहिए। खुद से प्यार करने से इंसान को कोई टेंशन नहीं होता, इसीलिए किसी और से प्यार करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं। इतना बिजी क्यों रहते हो? मैं जो करता हूँ वो इंसान के नाते सबसे बड़ा काम है, इसलिए सच कहूँ तो किसी से प्यार व्यार मैं नहीं करता। एक बात बताओ, तुम जिम्मेदारी लेने से घबराते हो? मैं इतना जिम्मेदार हूँ कि किसी की भी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। सूर्या, तुम्हारी आदतों से माँ बहुत दुखी है। दुख तो जीवन का एक हिस्सा होता है, वो तो आएगा ही और कुछ समय के बाद वो अपने आप चला जाता है। तो तुम कोई उपाय क्यों नहीं ढूंढते? मैंने अपनी तरफ से हर कोशिश करके देख ली। जैसे कि? जैसे कि जॉब्स के कॉलम में मैं जॉब ढूंढता हूँ, डेली न्यूज़पेपर में। लगता है इसे बोर कर दिया। क्या सोच रही हो? इट्स ओके, ये मामूली बात है। I'm in still last year B student. Hopefully seventh year running. Very struggle student in college. Wow. I love education. You know? छी, इतनी बार फेल होने के बाद भी तुम ये बात इतनी गर्व से कह रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? इसमें शर्म की क्या बात है? एक ही ईयर में 7 बार फेल होने का रिकॉर्ड बना लिया। लेकिन तुम्हें क्या? ये वाली फीलिंग तो मैं पिछले 7 सालों से सिर्फ अकेला फील कर रहा हूँ। चलो चलते हैं। एक बात बताओ, मुझे और कितनी दूर पैदल चलना पड़ेगा? तुम भी मुझे अपने कंजूस पिताजी की तरह चला कर ले जा रहे हो ना? अरे यहाँ से मेरे घर का रास्ता 1 किलोमीटर का है, ज्यादा दूर नहीं है, और कोई भी ऑटो वाला इतनी नजदीक जाने के लिए तैयार नहीं होगा। तुम्हारे साथ एक हट्टा कट्टा लड़का है ना, अगर तुम थक जाओगी तो मैं घर तक तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। और हाँ एक और बात, चलने से सेहत भी अच्छी रहती है और
याददाश्त भी तेज हो जाती है और थकान की वजह से रात को नींद भी अच्छी आती है और तुम चलने के लिए ना बोल रही हो। चलने से सेहत तरोताजा हो जाती है। भले थक जाओ लेकिन सेहत के लिए हमें हमेशा चलते रहना चाहिए। ऐसे चलते रहने का एक और फायदा है, हमें अपनी लाइफ में नए नए लोग मिलते हैं, जैसे मैं तुम्हें मिल गया हूँ। हो गया तुम्हारा भाषण खत्म? भाषण नहीं मैडम, मैं सेहत की सुरक्षा का ज्ञान दे रहा था। चलो क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ? माँ माँ, आप कब तक ये पुराना पर्स लेकर घूमती रहोगी? क्यों बेटा, आज इतना मस्का क्यों लगा रहा है? अच्छा माम, कुछ नहीं माँ, मुझे आपकी फिक्र हो रही है। वैसे मैं आपको मस्का नहीं लगा रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे साथ चलोगी क्या? ये ज्यादा ही भाव खा रही है, मैं तो बस कॉफी के लिए बुला रहा था। पता नहीं क्या समझ लिया इसने, मेरी किस्मत ही खराब है। हाँ बोल भाई। भाई मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, तू फ्री है क्या? मैं तो पार्क में बेंच पर बैठा हूँ। अच्छा भाई, मैं भी उसी पार्क में हूँ, बस दो मिनट रुक, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। इस पे ट्राई मारता हूँ, ये तो मुझसे फ्रेंडशिप कर लेगी। सुबह मुंह तो धोया था मैंने। माँ थोड़े पैसे चाहिए। माँ मैं कुछ ही देर में वापस आता हूँ, अपना ध्यान रखना माँ। ओह क्या कर रहा है? आंटी जंगली, मुझे डराई दिया। अरे आंटी, सूर्या तो दिन ब दिन इस लड़की के बहुत करीब आते जा रहा है और आप यहाँ बैठ के चने चबा रही हैं। मुझे तो ये सब बहुत गलत लग रहा है आंटी। क्यों रे, इसमें गलत क्या है? आजकल तो ये सब चलता है, तू जा। अब चलता है क्या? ए सूर्या, ये क्या इस छोटे से बच्चे के साथ बॉल से खेल रहे हो यार? अरे तू यहाँ जो भी बोलना है जल्दी बोलो और चला जा। अरे सूर्या, बहुत ही जरूरी बात करनी है तुझसे। ये पकड़िए, इधर आना। अरे आना सुनना। अबे यार, अगले सोमवार तेरे मम्मी पापा की शादी की सालगिरह है ना, तो तूने कुछ सरप्राइज प्लान किया क्या? चल इस बार दोनों साथ में मनाते हैं, चल। लेकिन यार, कहीं तेरे रिजल्ट से तेरे पेरेंट्स नाराज हो गए तो? इस साल मैं एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होकर दिखाऊंगा। यार ऐसा नहीं, मैं तेरी बातों पे विश्वास नहीं करता, लेकिन यार क्या, जिस लड़की ने पिछले साल टॉप किया था ना, वो भी कह रहा है कि इस साल उसका पास होना थोड़ा मुश्किल है, फिर तू कैसे कह रहा है? ए, ये क्या तमाशा लगा रखा है? मैंने बोल दिया पास होके रहूंगा मतलब पास होके रहूंगा। ए, आज से पहले तो इतना कॉन्फिडेंट तो नहीं था, जब से नंदिनी आई तेरा कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। अच्छा, तुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया? यस, ये सब नंदिनी का ही जलवा है। ठीक है, और कुछ बोलना है? ये मैं कर सकता हूँ, वन एंड ओनली मी। तुझसे नहीं होगा। भाई प्लीज, अगर मैं सक्सेसफुल रहा तो हम दोनों पार्टी करेंगे। सक्सेस तो दूर की बात है। क्या बोले? पहले नंदिनी को पटाके दिखा, तुझे मान जाऊंगा। यार वो सिर्फ मेरी दोस्त है। प्लीज भाई, बहुत दिनों से अपन ने कोई पार्टी नहीं करी यार। ये पार्टी का खर्चा कौन करेगा? तो पार्टी करवा के ही रहेगा ना। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, तुझसे बाद में मिलता हूँ। ओके थैंक्स भाई, संभाल के रहना। यस बेटा, तुम जाकर वहां खेलो जाओ, नंदिनी कुछ कहना है। नंदिनी? हाँ बोलो ना। समझ में नहीं आ रहा, मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? तुम पर है, कहीं से भी शुरुआत करो, पर जो भी पूछोगे ढंग का पूछो। नंदिनी, एक्चुअली मेरे मॉम डैड की 50th मैरिज एनिवर्सरी है, इसीलिए तुम हम सबके साथ शामिल रहना, क्योंकि तुम्हारे जैसी हीरोइन अगर पार्टी में आ जाए तो। हीरोइन और मैं, चांस ही नहीं है। प्लीज 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 नंदिनी जी, आप पार्टी में हीरोइन बन जाइए ना। वो क्या है कि अगर आप आएंगी तो हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, इसलिए। ठीक है, हीरो कौन है? नहीं नहीं, ये हीरो बनेगा तो मैं नहीं आने वाली। ए, लड़की ने तुझे रिजेक्ट कर दिया। मेरी किस्मत तो गधे से भी ज्यादा खराब है भाई। पार्टी पे कॉन्सेंट्रेट कर, बाकी सारी तैयारी तो कर ले। ठीक है भाई। अच्छा नंदिनी,
क्या तुम हमारे प्लान में हमारा साथ दोगी? सूर्या, मुझे नहीं शामिल होना। ना मत बोलो, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ। ये मेरी आखिरी पार्टी होगी, चलेगा ना? ओके ओके डन। यस। अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। अगर ये राजी नहीं होती तो तेरी सुनामी आ जाती ना। फैमिली वॉर की जगह यहाँ पर वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता, गारंटी। प्लीज 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 भाई, वैसे भी इस बार पार्टी में हीरो तू बन रहा है, मैं थोड़ी ना बन रहा हूँ। तेरे होते हुए मैं क्यों फिक्र करूँ? अंकल आंटी से मैं बात कर लूंगा भाई। ठीक है, तेरे लिए कर देता हूँ। ओके, आगे कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो सब कुछ तुझे ही संभालना होगा, समझाना। चेचे, अब कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। अच्छा यार, दोस्ती के लिए मुझे इतना ही करना पड़ेगा ना। हाँ। तू भी देख ले, साउंड एक नंबर होना चाहिए। बिल्कुल। आ गया। ये पकड़। सही है, थैंक यू। ओके भाई, बाय। 500 रुपए उसको मुझे देने थे तो वो मुझसे 500 रुपए क्यों ले गया? ये क्या लफड़ा है? अरे ये देख, तेरे पापा पहले ही आ चुके हैं। आप अंधेरे में बैठकर क्या कर रहे हैं? मैंने सुना था कि लोग अंधेरे में बैठते हैं तो गोरे हो जाते हैं, इसीलिए। आपको गोरे होने की क्या जरूरत है? मुंह बंद रख। मैं भी घर पर बैठकर बोर हो गई थी और आपको भी ऑफिस से लेट हो जाएगा ये सोचकर मैं इन लोगों के साथ पार्क में चली गई। फ्री थी इसलिए पार्क में घूमने चली गई। बच्चों के सामने कुछ भी मत बोलो। तुम जरा रुको बेटी। हाँ, तो क्या डिसाइड किया? मैंने वो अंकल रघुनाथ के साथ हीरोइन बनकर एक्ट करने का ही डिसाइड किया है। इट्स मी ओनली। किसी को मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। बाय भाई। क्यों बेटी, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है, 2 दिन बाद तुम चली जाओगी, पर तुमने तो यहाँ परमानेंट रहने का मन बना लिया है। अंकल नहीं, तुम अपने घर वापस क्यों नहीं जाना चाहती, बताओ। वो तुम घर कब जाओगी ये बताओ। सूर्या तुमको पापा। हाँ, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, 1 हफ्ते में तुम्हें जाना होगा। महालक्ष्मी, अभी तक तुम फ्री नहीं हो पाई क्या? एक बात बताओ, तुमने अंकल के कान में ऐसा क्या बोला? सच बोला। यहाँ बताता हूँ। सिगरेट है क्या? हे ये क्या, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो ना बोल दो। आओ अंदर। हे भगवान, मोहब्बत 2 दिनों में जलती हुई एक आग होती है, ऐसी आग जो दुनिया को भी जला सकती है। हाँ, चुटकी में मैं इस दुनिया से टकरा सकता हूँ अगर एक बार मुझे कोई प्यार करने वाला सच्चा दिलदार मिल जाए तो। हाँ, मेरे सीने में भी दिल है। मैं मोहब्बत की खातिर इस दुनिया से टकरा भी सकता हूँ और किसी की जान ले भी सकता हूँ। यस 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 यस। मार डालेगा रे। दूसरों को? नहीं नहीं, अपने आप को। अपने आप को? तो ऐसे बोलते हैं क्या? ऐसा बोलेगा तो लोग तुझे पत्थर मारेंगे। क्यों? बिल्कुल मामू है तू, सच में बहुत ही घटिया एक्टिंग कर रहा है। ऐसे तो लड़की डर जाएगी ना। अंदर से रोमांस ला यार, वेरी रोमांटिक। तो फिर क्या करूं मैं? एक बार मैं करके दिखाता हूँ, उसके बाद तू कर। ठीक है। प्यार क्या है? प्यार एक पवित्र बंधन है, और वो भी किसी को कह के या बोल के कभी नहीं आता। एक चुटकी बजाते ही ये सारे के सारे सवालों को, कौन क्या कैसे, सारे सवालों को सबको खत्म करता है। तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था। इस जन्म में मैं तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद से गुजर सकता हूं। ये। ये एक्टिंग कर रहा था, सच में उसको पटा रहा था। ये तो हीरो फिक्स हो गया। एटलीस्ट अब मुझे कोई विलन का रोल ही दे दो यार। अरे नंदिनी, अब तुम्हारी बारी है। मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस करती हूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हें पहली बार देखते ही मुझे कुछ
बिना सोचे समझे प्यार हो गया, सच्चा प्यार। लेकिन हमारे इस रिश्ते को पापा कभी नहीं मानेंगे। ये नहीं हो सकता। अरे झिंगुर, ये क्या कर रहा है तू? हीरो का रोल तो तू कर रहा है, एटलीस्ट मुझे विलन का रोल तो करने दे अब। हाँ ठीक है कर। ये कभी नहीं हो सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। जब बेटी जन्म देने वाले बाप की बात नहीं मानती है तो उसके साथ ऐसा होता है। अभी तो की गोली मारी है। मेरा नाम ठाकुर भूतनाथ सिंह है। तुम शरीर को अलग कर सकते हो लेकिन आत्माओं को नहीं। हम दोनों का प्यार अमर रहेगा। अभी एक गोली बची है। इसे क्या हो गया, ये अभी तक लेटी है। ए नंदिनी उठो उठो, ठीक होके हो गया। सूर्या तू कितना अच्छा एक्टिंग करता है, इतना अच्छा एक्टर है ये आज मुझे पता चला। थैंक यू मम्मी। सही है, तुम भी बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती हो। लेकिन वो प्यार वाली बात बोलते वक्त थोड़ा और फील चाहिए था। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे भी तुम्हें पहली बार देखते ही बिना कुछ सोचे समझे सच्चा प्यार हो गया। हाँ ऐसे ही डायलॉग बोलते वक्त तुम्हारी आंखों में थोड़ा प्यार दिखना चाहिए। अच्छे से प्रैक्टिस करो ओके। नहीं तो एक काम करो ना, तुम जिसे भी बहुत दिल से प्यार करती हो आंखें बंद करके उसके बारे में सोचो, फिर देखो वो फील ऑटोमेटिकली आ जाएगी, प्यार हो जाएगा। ओके ठीक है, प्रैक्टिस करती रहो। कल मेरे सपने में एक चिंपैंजी आया था। हा? जंगल में और जू में रहने वाला अब सपनों में आने लगा। असली चिंपैंजी नहीं, तुम और तुम्हारा दोस्त रघु आए थे मेरे सपने में। यहाँ रुको। यहाँ ओके। अरे यार भंगार गाड़ी है। तुमने कहा था कि प्यार का डायलॉग बोलते वक्त आंखों में प्यार देखना चाहिए और आंखें बंद करके अपने चाहने वाले को दिल से याद करना चाहिए, यही बोला था ना? Really Surya, I love you. I really love you. Nandini. I love you Surya. I love you so much. Acting बंद करो। मैं सिर्फ rehearsal में ही नहीं, real life में भी बहुत अच्छा performer हूँ। तुम कहीं बाहर से आई हो, दो चार दिन मेरे घर में रहोगी और मेरे घर में सबके साथ पूरे परिवार के साथ मीठी मीठी बातें करोगी, जिंदगी भर यहीं पे मीठी छुरी बन के रहने का प्लान है क्या? तुम क्या प्यार करोगी? जीने के लिए कैसे कैसे नाटक कर लेती हो। सूर्या मुझे गलत मत समझो, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे साथ गुजारे हुए हर एक पल मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मेरे पापा के अलावा मुझे जिंदगी में इतना प्यार किसी ने नहीं किया। तुम्हारे पापा माँ रघु सब लोग मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और उन सब में से तुम मुझे सबसे प्यारे लगते हो। तुम्हारी बातें, तुम्हारा इनोसेंस, वो तुम्हारा बचपना मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ सूर्या, मुझे भी तुम्हारे परिवार का एक हिस्सा बनना है। आई लव यू। बकवास बंद कर। छह हमारे साथ रहते हुए अभी सिर्फ चार दिन हुए, उतने में प्यार कहाँ से पैदा हो गया? अगर चार दिन तुम किसी और के साथ रहोगी तो सब भूल जाओगी, उससे प्यार करने लगोगी और ये भी हो सकता है कि प्यार के नाम पे एक बच्चा भी कर लोगी। तुम बहुत ही फास्ट हो यार, कैसी लड़की हो तुम। गलती हो गई कि तुझे मैंने अपने घर पे रखा। बहुत हो गई नौटंकी, तुम्हारे पापा को फोन करता हूँ। थैंक यू सूर्या, सॉरी सारी गलती मेरी है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और मैंने अपने मन को भी समझा लिया है। सॉरी मैं चलती हूँ सूर्या। जरूरत नहीं है, चली जा। तू क्या देख रहा है? जो यहाँ पर हो रहा था मैं वही देख रहा था। नाटक खत्म हो गया, जा। Oh, my God.
चलती हूँ आंटी, चलती हूँ अंकल। नंदिनी एक बार सूर्या से भी मिलकर जाओ। क्यों सूर्या से मिलेगी? नहीं आंटी, फिर उसे क्यों डिस्टर्ब करूं, मैं चलती हूँ। हमारे नंदिनी की आपने अच्छे से देखभाल की, इसलिए आपका एहसान कैसे चुका हूं समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं। थैंक यू। चलो नंदिनी चलती हूँ। फ्री हो क्या? तुम्हें शर्म मर्यादा कुछ है भी या नहीं? अरे कभी तो हाँ बोल दिया करो। जब भी देखो फ्री हो कभी मुझे भाव ही नहीं देती। अकेली है बुझ गए दिए। कैसा जंगली है ये? क्या आंटी डरा दिया आपने मुझे। कौन है माँ, कौन आ गया? नंदिनी चली गई बेटा। दूध वाला या नंदिनी? अरे नंदिनी वही लड़की जो हमारे घर पर ठहरी थी। चली गई। नंदिनी कैसी आवाज है ये? क्या हुआ? जरा सुनो, तुम्हारा बेटा चिल्ला रहा है। क्यों चिल्ला रहा हो? मैं देख कर आती हूँ। सो जाओ मैं देखता हूँ, तुम फ्री रहो। पागल बना कर गई है तू? कौन है तू, कहां से आई है? खाली पेपर की तरह मेरी लाइफ को तेरे प्यार से भरकर तेरे रंग में रंग के चली गई तू। पहले तो मुझे प्यार का एहसास नहीं हुआ, यही प्लान करके आई थी क्या? किधर और किससे अपने दिमाग का इलाज करवाऊं सोचता रहता हूं। गलत किया, बहुत बड़ा गलत किया। मुझे कुछ पता नहीं था, मैं अपनी सिंपल सी लाइफ जी रहा था, अचानक तुम आ गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे तुम पसंद हो, तुम्हारे घर वाले पसंद है, इनोसेंस पसंद है, आपकी भोली भाली प्यारी और सिंपल बातें पसंद है। ये बोल के मुझे एक झटका दे दिया। ये ले, ये मेरा दिल है, इसे अच्छे से देख ले, खराब मत होने देना, जंग लगने मत देना, आ, 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 वायरस मत लगने देना, और आखिरी सांस तक मेरे साथ ही रहना, कभी तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं ये सब बोलूंगा ये सोचा था क्या? मुझे तो रोना भी नहीं आ रहा है, कितना नकली रो रहा हूं मैं। अब बस एक ही रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता है। कहाँ है मेरा सच्चा दोस्त? कहाँ है? बेड के नीचे है क्या? नहीं, तकिए के नीचे नहीं है। कहाँ है? पापा, ये सब आपका किया कराया है ना? रहने दो, मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ, छोड़ूंगा नहीं उसे। याद आ रही है तेरी याद।
क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है? मैं तेरा बाप हूँ, मुझे सब समझ में आता है। क्या बात है बता। नहीं बात कुछ नहीं है पापा। ए बात कुछ नहीं है तो अपने आप को रूम में बंद करके उल्टी सीधी हरकतें क्यों कर रहा है? शर्म नहीं आती क्या? क्यों, मुझे शर्म क्यों आएगी? ए ज्यादा भाषण मत दे, अपने आप को बराक ओबामा समझता है क्या? तेरे बारे में पड़ोसी को भी पता चल चुका है, इसीलिए वो लोग फूट फूट कर रो रहे थे। उस लड़की के जाने से दुखी हो गया क्या? नहीं कुछ नहीं है पापा। कैसे कुछ नहीं है पापा? तू ऐसा बोलेगा तो मैं तेरी बात मान जाऊंगा क्या? नहीं सच झूठ में बदल जाएगा क्या? मैं तुझे ये देख, ये लॉकेट ले जाकर उस लड़की के गांव, कौन सा वो गांव था? अभी तो आपने बोला था। हाँ मैं अभी बोला था पर भूल गया। ये लॉकेट ले जाकर उस लड़की को दे दे और उसे जी भर कर देख ले। आराम से जाना, ये ले ध्यान से, आराम से जाकर आना। अगर तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। पापा हाँ? पापा आप पुरुष नहीं, आप तो महापुरुष हैं। ए, 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 मोड बिगाड़ दिया। ए, उस चेन के साथ साथ उसे लॉकेट भी दे कर आना। मैं कंजूस नहीं हूँ। आप कंजूस हो ये पता था, लेकिन चोरी करोगे ये नहीं पता था। ए, वो लड़की हमारे घर एक हफ्ता रह के गई है, वो लॉकेट कम पड़ जाएगा। माँ लक्ष्मी फ्री हो गया? आपको शर्म नहीं आती? अगर फ्री हो तो। शर्म तो बेच खाइए आपने, सो जाइए। क्या करूं मैं इनका, समझ नहीं आता। जवान बेटी के सामने हमेशा ऐसे ही बोलते रहते हैं। मेरे फूटे करम। विक्टोरिया हॉस्पिटल में 65 साल की वृद्ध महिला को बच्चा हुआ है। महालक्ष्मी फ्री हो क्या? हे भगवान, आप जाओ यहाँ से। दोस्त और दुश्मन दोनों एक साथ आ गए। क्या भाई, मुझे भूल गया तू? तेरा दोस्त अभी जिंदा है, मर नहीं गया है वो। देख, प्यार करने वाले जमाने से डरते नहीं है बल्कि जान हथेली पे रखते हैं। मेरी बात अच्छे से समझ ले, हमारी फ्रेंडशिप पक्की वाली है। फिर तू क्यों टेंशन ले रहा है मेरे भाई? यार तू कंफ्यूज क्यों है? तू किसी बात से डर रहा है क्या? डरने की जरूरत भी नहीं है, चल गाड़ी में बैठ जा। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम लेकिन तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। साहब, इस औरत ने मेरे सोने की चैन चुराई है। जब मैं नहाने गई थी ये औरत वहाँ अकेले खड़ी थी। यही औरत चोर है। हाँ, चैन चुराते वक्त तूने मुझे देखा था क्या? झूठी कहीं की? धीरे बोलो। यहाँ तो तेरे स्वागत के लिए पूरी पब्लिक आई हुई है। मैं जा रहा हूँ। आजा आजा, डर मत। अरे आना, डर तो क्या है, अपना ही घर है, आजा। यार ये लोग मुझे पीटेंगे तो नहीं ना? हेलो अंकल, कैसे हैं आप? नमस्ते। कौन हो तुम? थैंक्स अंकल, क्या मजाक करते हैं। आप भी भूल गए क्या, नंदिनी हमारे घर में ही तो ठहरी थी। तुम हो, अच्छी बात है। तुम्हारे पापा ने हमें बताया था कि तुम यहाँ आने वाले हो। जाओ अंदर चले जाओ और जाकर हाथ पैर धो लो। जी ठीक है। जाओ बेटा, खूब खुश रहो। परमेश्वर जी साहब, उन्हें कमरा दिखा। जी देखो बेटी। अंकल, आपका आशीर्वाद मिल गया मुझे, मैं धन्य हो गया। बहुत बड़ा नमूना है ये। हाँ, ये औरत जो बोल रही है वो सच है क्या? नहीं साहब, मुझे चोरी करके अपना जीवन खराब नहीं करना। हाय हाय,
बहुत बुरा लग रहा है। बाहर तुम्हारे पापा को मिला, बड़ी सी मूछ रखकर बड़े फैसले दे रहे हैं। पूरे गांव को न्याय देने का ठेका उन्होंने ले रखा है, लेकिन घर में एक नौकर नहीं रख सकते क्या? छे, मेरे साथ रहोगी ना तो ये सब नहीं करने दूंगा। ओ देखो कौन आया है। अरे नंदिनी, एक बार तो देखो, तुम्हारा चाहने वाला आया है, तुम्हारा साथ पाने के लिए, जिंदगी जीने के लिए आया। क्यों, क्या हुआ, बात नहीं करोगी क्या? ओह, शर्मा रही हो, हाउ रोमांटिक, आई लाइक इट, आई लाइक इट। कौन लवर, किसको जीवन साथी बनाओगी तुम? तुम खुद तो जी लो पहले। क्या नंदिनी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ओ नाराज हो गया? प्यार इश्क मोहब्बत में ये होता ही रहता है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं ये सब कुछ सहन करके तुम्हारे साथ जिंदगी जीने आया हूँ। और एक बार अगर तुमने जिंदगी और लव शव के बारे में बात की ना तो अच्छा नहीं होगा। इसीलिए तो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लगती है, ये बोला था? झूठ था क्या? ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा से इस बात का न्याय मांगते हैं। जाओ मांगो, फिर अपने गांव वापस नहीं जा पाओगे। हाँ? मुझे धमकी दे रही हो क्या? हाँ? निकलो। ओए, इज्जत से बात करो ना, तुम हमारे घर में थी तो मैंने तुमसे ऐसे बात की थी क्या? रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, ये सूर्य क्या है अब दिखाता हूँ। तुम्हारा इस औरत पर आरोप लगाने की सिर्फ एक ही वजह है, लेकिन तुम्हारे ही कहने पर मैं उसे सच नहीं मान सकता। अगर वो मेरी आंखों के सामने होता तो भी मैं जांच पड़ताल करता, ऐसे ही किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहिए। इसलिए इस बात की मैं पूरी तरह से जांच पड़ताल करके ही मैं तुम्हें कोई फैसला सुनाऊंगा। तो आप जांच पड़ताल कीजिए साहब। उसके लिए मुझे थोड़ा और समय चाहिए होगा। फैसला सुनाकर सजा देना कोई बड़ी बात नहीं है, पर मेरे गलत फैसले से किसी बेकसूर की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। अच्छे से छानबीन करने के बाद ही सही क्या है गलत क्या है मैं ये निर्णय सुना दूंगा। अंकल, आप ही मुझे न्याय दिला दो। क्यों बेटा, तुम्हें क्या हुआ? और क्या होगा अंकल, जब आपकी बेटी हमारे घर रहती थी ना तब तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, ये सब कहा था और अब मुझे ना पहचानने का नाटक कर रही है। अब आप ही बताइए, क्या ये सब सही है क्या? hey! तो किसके सामने खड़े होकर बात कर रहा है जानता है? छोड़ बे, स्त्री खराब हो जाएगी। बेटी के बारे में बाप से कह रहा हूँ। मेरी बेटी देवी समान है, अपनी बेटी को तुमसे कहीं ज्यादा मैं जानता हूँ। तुम लोग हमारे मेहमान हो, हमारी मेहमान नवाजी का आनंद उठाओ और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ये चुपचाप जाने वालों में से नहीं है, मेरा दोस्त हजारों में एक नहीं है। क्या अंकल, आप भी पूरे गांव को न्याय देते हो, मुझे न्याय नहीं दे सकते क्या? बुलाइए नंदिनी को, मुझे न्याय चाहिए अभी। चलता बन यहाँ से। क्यों गौड़ा साहब, ये बेचारा लड़का तो अपना न्याय मांग रहा है, आप उसे न्याय दीजिए। बुलाइए बेटी को, सब पता चल जाएगा। हाँ, बुलाइए सारी, बुलाइए, आखिर बात क्या है? नंदिनी। पापा। बेटी। पापा, ये लड़का जो कह रहा है वो सही है क्या? मैं आपकी बेटी हूँ पापा। सुन लिया ना, मेरी बेटी मुझे बताए बिना कोई काम नहीं करती। हाँ, अब चले जाओ। गौड़ा साहब, ये आपकी बेटी है ये हम सब जानते हैं, लेकिन अपनी बेटी से पूछिए क्या ये से प्यार करती है। बेटी। पापा, क्या तुम इस लड़के से प्यार करती हो? नहीं पापा। अब तो मैं तुझे काट के रख दूंगा, हमारी नंदिनी के बारे में कुछ भी बोलता है। अंकल, मुझे एक हफ्ते का टाइम दो, आपकी बेटी मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है, ये प्रूव करके दिखाऊंगा। प्रूव हो चुका है, अब तुम जाओ। ये क्या साहब जी, आपके लिए अलग न्याय और हमारे लिए अलग? मेरे सोने के चैन के लिए आप जांच पड़ताल करेंगे कह के चुप हो गए, और आप इस लड़के की बात को बिना छानबीन किए झूठा बोल रहे हैं। आहा, बहुत अच्छे। हा? दो लोगों की जिंदगी जुड़ी है इस बात से, और बिना जांच किए आप न्याय देंगे क्या? ठीक है ठीक है, अगर एक हफ्ते में तुम ये बात प्रूव नहीं कर पाए तो। ना कर पाऊँ तो ना। मैं तुझे एक हफ्ते का समय देता हूँ,
इस दौरान प्रूव करके दिखाओ कि मेरी बेटी तुम्हें प्यार करती है। अगर तुम ये प्रूव नहीं कर पाए तब तुम सांस लोगे या नहीं लोगे ये मैं तय करूंगा। चलो अब अंदर चलो और खाना खा लो, अतिथि देवो भव। अंकल आशीर्वाद दीजिए ना अंकल। हाँ ठीक है अब चलो। थैंक यू। हाँ अब आप सब भी जा सकते हैं। नमस्ते। अंकल मुझे नहीं मरना, अंकल मुझे नहीं मरना, मुझे छोड़ दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं निर्दोष हूँ अंकल, मुझे माफ कर दीजिए अंकल। थैंक यू अंकल, थैंक यू। बस बस हो गया। ये क्या मुझे एक पीस दिया, थोड़ा सा और दो ना, हमारे यहाँ तो भुक्कड़ की तरह खाती थी। बस हुआ ना, एक बार और चाहिए। मुझे पता नहीं है अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखते रहे। मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खा लेने दे, उसके बाद जो मर्जी हो वो करना। हाँ। अभी देखकर क्या करूंगा। क्या करोगे? नहीं कुछ नहीं अंकल। बता दो बता दो। कुछ नहीं अंकल, आप खाना खाओ ना। तुम दोनों से पापा पूछ रहे हैं कि क्या बात है। ए नहीं कुछ नहीं अंकल, तेरे प्यार को प्रूव करने के लिए 7 दिन क्यों, 7 मिनट ही काफी है। सच्चा प्यार है तेरा, चुटकी चुटकी बजाते ही प्रूव हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। यही इसने बोला अंकल। अगर मैं 7 मिनट में ये प्रूव कर दूंगा तो अंकल की तो हालत खराब होगी, और उसके बाद वो कुछ भी कर लेंगे तो मुसीबत हो जाएगी। अंकल के इस गांव में बहुत ही इज्जत है, अंकल को कुछ नहीं होना चाहिए। उनको कुछ नहीं होना चाहिए, ये मैंने कहा करेक्ट बोला ना अंकल। चुपचाप खाना खा, ज्यादा बात मत कर। तुझे जो भी प्रूव करना है कर ले, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। मुझे भी मेरी नंदिनी पे भरोसा है अंकल। ले लो मेहमान जी, ले लो पानी पियो, खुद ही पी लो। ओवर एक्टिंग मत कर, पानी पी। पिछले 26 सालों से मैंने अपनी बेटी को अपने पलकों पर रखा हुआ है। मेरी बेटी मेरा अभिमान है, मेरी बेटी ने मुझे आज तक धोखा नहीं दिया। और 6 दिन तुम आराम से जी लो बेटा, उसके बाद तो मैं ही तुम्हें मारूंगा। अब रहो मत, आराम से खाओ। अतिथि देव। हेलो पापा, मैं सूर्या बोल रहा हूँ। कौन सूर्या? पापा पता है आपके पास बेटे का नंबर नहीं रहेगा क्या? पता तेरे प्यार की कश्ती कहाँ तक पहुँची? कहीं नहीं, बस यहीं पे हूँ, यहाँ मैं अपने प्यार की परीक्षा दे रहा हूँ पापा। रिजल्ट क्या है वो मुझे पता है, आगे बोल। पापा फेल ही होगा। पापा पास होने का मतलब तुझे पता भी है क्या? ख्याली पुलावों से पेट मत भर। डोंट वरी पापा, मैं आपका बेटा हूँ ये मत भूलिए, मैं अपने प्यार को जीत कर ही आऊंगा, हार कर नहीं। आइडिया बहुत अच्छा है, मैं तेरा बाप हूँ ये मत भूलना, अगर तू हार के घर पे आया तो घर में कदम नहीं रखने दूंगा। समझ गया ना? मेरे पापा दिग्रे, तेरे जैसे बेटे इस दुनिया में कमी होते हैं। रख फोन, बाय। बाय पापा। सूर्या तुम कभी नहीं जीत पाओगे। मुझे और कोई नहीं, तुम्हारा प्यार चाहिए। हेलो, मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारी ये लव स्टोरी कभी सक्सेस नहीं होगी। मेरे प्यार के बारे में
तुम क्या जानो, मेरी लाइफ में तो फेल नाम का शब्द ही नहीं है, और प्यार की जंग में तो मैं ही जीतूंगा। मेरे पापा भी वही बोल रहे थे। पता है। ये प्यार बिल्कुल लॉकेट जैसा होता है। ओपन करो तो दिल में समाता है, क्लोज करो तो आंखों में समाता है। मेरा लॉकेट तुमने चुराया है ना? मैंने कितना ढूंढा पता है तुम्हें? तुम्हें चोरी करते हुए जरा से भी शर्म नहीं आई? हेलो, अपनी ये बकवास बंद करो। कुछ भी बोले जा रही हो, पहले ये सोचो तुम्हारे सामने कौन है। हाँ, हम लोग चोर फैमिली नहीं है। तू चोर, तेरा पापा चोर। सूर्या, पापा के बारे में गलत मत बोलो। क्या हुआ, कौन है? क्या हुआ अंकल, आपकी बेटी को उठाकर ले गया, ऐसा सपना देखा क्या? इस गांव में एक पत्ता भी मेरी इजाजत के बिना इधर से उधर नहीं होता, और तू यहाँ पर मेरी बेटी नंदिनी को उठाकर ले जाने की बात कर रहा है? ओहो, ये झूठे सपने देखना बंद कर और जाकर कंबल ओढ़ के सो जा। ए, चल अंदर, चल अंदर चलने को कहा। चल। मैं प्यार की जंग में जीतूंगा नहीं, यही सोच रही हो ना? इसमें सोचने का क्या है, यही तो सच है। पता चल गया ना तुम्हारी औकात। मेरी औकात के बारे में तुम क्या जानो? हाँ, इस लॉकेट में मेरा फोटो देखने के बाद पता चला मेरी औकात क्या है। थैंक्स। सूर्या, मुझे मेरा लॉकेट दो प्लीज। आई लव यू। सूर्या, मेरा लॉकेट मुझे दो प्लीज। नंदिनी। भैया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ नीचे। नंदिनी, कल भी मिलेंगे इसी वक्त। लगता है इनको कोई काम ही नहीं है, चौकीदारी करने आ जाते हैं और क्या। ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ करने के बारे में सोच रहा था और आप दोनों आ गए। मेहमान की तरह आया है, मेहमान की तरह निकल जा। मैं वही तो कर रहा था। अपनी हद में रहना सीख। हा? खाना खा लिया? हाँ, खा लिया। तो चुपचाप सो जाना, यहाँ टाइम पास क्या कर रहा है? ए, चुपचाप सो जाना, दिमाग खराब मत कर। क्या पागल है। मंदिर में तुम्हें डोनेशन देने को कहा था, दे दिया? हाँ, दे दिया। अब क्या है? ये तू क्या कर रहा है? एक नंबर का कथा है, चल जा यहाँ से। ओ ओ ओ ओ ओ ओ सूर्या स्टाइल। मेरा हाथ छोड़ो और ऐसे ही बात करो। मैं तुम्हारा हाथ तो पकड़ूंगा ही, आई लव यू बोलो ना यार। अरे ये क्या है तुम्हारे घर में, इतने मच्छर पाल के रखे हैं? आप समझा इसीलिए मच्छरदानी पहनकर घूम रही हो? हाँ सूर्या, मेरा हाथ छोड़ो। कंट्रोल सूर्या, कंट्रोल। अरे इज्जत बिल्कुल नहीं दे रही हो, कम से कम अपना प्यार तो दे दो। प्यार किया है प्यार करेंगे, हम तो जमाने से न डरेंगे, मरते दम तक प्यार करेंगे, मेरा दिल मेरी जान तेरे लिए। दिनी, ना टूटे ये बंधन प्यार का। आप क्या देख लिया? हाँ।
मैं आपके बारे में बात कर रहा था। किससे बात कर रहे हैं? आपकी तस्वीर से। अंकल, मोनालिसा आपकी फैमिली से है क्या? मोनालिसा? ये कौन है? वो उसकी स्माइल बिल्कुल आप जैसी अंकल, मैं कंफ्यूज हो गया था। अंकल, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको मामा बुला सकता हूँ क्या? अंग्रेजी भाषा में मामा को क्या कहकर बुलाते हैं? अंकल बुलाते हैं। इसके आगे तू अंकल भी मत बुलाना। ठीक है, ठीक है, जाने दीजिए। ए बुधिया, हमारे गोडाउन के अंदर हमारे जितने दादा परदादा है ना, उन सब की बहुत सारी तस्वीरें रखी हैं, वो सब यहाँ लाकर इसे दे दो, ये उन्हें साफ करता रहेगा। अरे तो गाड़ी मस्त धोता है, थोड़ा यहाँ भी धो डाल। तू अपने मुंह में ताला लगा ले, मैं धो रहा हूँ, मुझे धोने दे। वो क्या, यहाँ का पानी उतना साफ नहीं है। ये गांव नहीं है, जंगल है, लगता है ये भी यहाँ रहकर बोर हो चुका है, जरा गांव घुमाओ ना। हाँ, मुझे भी गांव घूमना है। पीना वीना सब छोड़ दिया है, क्योंकि नंदिनी को पसंद नहीं है ना। तू बोले तो मैं ट्राई मारूं क्या? क्यों, आप पिलाएंगे क्या मुझे? वो पिलाएंगे क्या? हाँ, तो नो प्रॉब्लम। श्याम। हाँ पापा। कहाँ चले? इनको गांव देखना है, इसलिए जरा घुमा के आता हूँ। ठीक है, वो नीलगिरी जंगल के रास्ते में मत जाना, उधर बहुत चोर घूमते रहते हैं, ठीक है ना? संभल कर जाना। अंकल पानी बंद कर दीजिए। बंद कर देता हूँ, ला दो, मैं बंद कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, ये ले। बंद कर दिया, और बंद कर दो। मैं पूरा गीला हो गया अंकल, मुझे बंद करने को कहता है। चल, तूने फ्री में नहा लिया, सब तेरी वजह से हुआ है। तुझे रास्ता पता नहीं है, इसलिए गाड़ी मैं चलाऊंगा, चाबी दे। वैसे भी लाइफ में हम कभी सही रास्ते पर जाते ही नहीं है। करेक्ट। दे दे उनको ही, गाड़ी चलाने दे। ये लीजिए चाबी। आप क्या मेहमानों से चाबी ले रहे हो? अरे हम गांव में आए हैं, हम मेहमान हैं, आप हमको अपनी गाड़ी में घुमाते तो मजा आता। वो पता है मुझे, तुम चलो। अरे जंगल में मोर नाचा, किसने देखा, किसने देखा जंगल में मोर नाचा। गाड़ी खराब हो गई क्या? क्या हो गया? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। बोनेट ओपन कर, मैं देखता हूँ। अभी इसे मजा चखाता हूँ। यार जल्दी ठीक कर, बहुत बोर हो रहा है मुझे। डारा गाड़ी है, ले चालू कर। धूल मिट्टी बहुत है, इसलिए कपड़ा बांधा है क्या? कौन बुलाया? दस हजार का हिसाब नहीं मिल रहा है, इतना अंतर कैसे है? अंकल क्या कोई नाटक चल रहा है यहाँ पर? आपको पता है इस आदमी ने बीच जंगल में मेरे दोस्त को अकेला छोड़कर के गाड़ी भगाकर यहाँ पर ले आया। समझ लो, अगर मेरे दोस्त का बाल भी बाका हुआ तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मैं इस गांव को जलाकर। चुप रह श्याम, तुझे ने जंगल के रास्ते से ले जाने के लिए मना किया था ना? अगर वो मरता है तो मरने दीजिए ना। कैसी बात कर रहा है तू? जो भी हमारे घर में आया है वो हमारा मेहमान है, अगर उसे कुछ हो जाएगा तो उन सबके लिए सारी जिम्मेदारी हमारी होगी, मत भूल। फिर कभी तुम ऐसी गलत हरकत मत करना, चलो जाओ, उसे लेकर आओ, जाओ। ले ले, आ गया मेरा शेर। सूर्या सुनो बेटा, मेरी देख ले, आ गया मेरा दोस्त, अब आ ना, आ ना।
तेरी तो पापा। हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। भाई तू सचमुच का शेर है, सुपर भाई। अरे कुत्ते की तरह मारा, बहुत मारा मुझे कुत्ते की तरह। तुझे मार पड़ी। आई, ओ मम्मी। भाई लोग थोड़ा धीरे धीरे प्यार से मारने का ना। तू हीरो है क्या? चल पैसा निकाल। कुछ भी नहीं है, जेब खाली है। चल पैसा दे, पैसा दे। चेन भी नहीं पहनता है तू, है? ये ले, बस भाड़ा बचा था। बस इतना ही है? चिल्लर चाहिए क्या? निकाल निकाल निकाल। ये ले चिल्लर। वो दूसरे जेब से भी निकाल। ओई माँ। भाई लोग एक मिनट यार। आप लोग ने गजनी पिक्चर में काम किया है क्या? गजनी नहीं, चोले। बहुत खतरनाक फिल्म है। आप लोगों को हीरो का रोल मिलना चाहिए, विलन का नहीं। चलो भैया एक मिनट आओ ना। क्या हुआ रे? बोल। ये रॉड देकर जाओ ना। कुछ नहीं, मेरी लाइफ में किसी ने मुझे मारा नहीं है ना, आपने मारा तो याद के लिए देकर जाओ ना। माँ कुछ लोग पता नहीं क्या क्या पूछते रहते हैं, पर मैंने उन्हें नहीं दिया। ये ले संभाल के रखना, समझा? अरे चलो रे भाई। एक मदद करो, 8 रुपया छुट्टा है क्या? ए, तुम लोग के पास छुट्टे हैं क्या? अरे छोड़ो यार, तुम लोग के पास कहाँ से होंगे। ये ले 10 रुपए और 2 रुपए तू रख ले। लेकिन तेरी एंट्री की स्टाइल से मेरे को ऐसा लगा कि तूने एक रॉड से 100-100 लोगों को धोया होगा फिर यहाँ पे आया। बहुत हैवी रॉड है यार, इसलिए ऐसे घसीट कर ला रहा था। मैंने उससे फालतू में दुश्मनी मोल ले ली। अरे भाई सुनो ना, अरे मेरी बात सुनो। हमारे घर में वो चिंपैंजी आया है ना, उससे दूर ही रहना। हेलो हेलो भव्या, भव्या रुको प्लीज। भव्या रुको ना प्लीज। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। चुप रहो ना यार, यहाँ कोई सुन लेगा तो कुछ और ही सोचेगा ना। वैसे तुमने पढ़ाई क्या की है, एग्रीकल्चर या आर्टिकल्चर? क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि यहाँ खेत बागीचे प्रॉपर्टी सब कुछ अच्छे से मेंटेन किया है, बस इसीलिए पूछा कि पढ़ाई क्या की है, क्योंकि कल्चर तो है नहीं। सूर्या मुझे कल्चर के बारे में तुमसे जानने की जरूरत नहीं, ओके? उससे किसी से भी सीखना नामुमकिन होता है। सूर्या क्या यार, एक दिन भी तुमने मुझसे खुशी से हंस के बात नहीं की है। छे एटलीस्ट खाया कि नहीं, पिया कि नहीं, सोए कि नहीं, ऐसे प्यार से पूछ लिया करती तो क्या। छे कोई पूछे ना पूछे, तुम्हें लोगों को यूज करना बहुत अच्छे से आता है। हंसो ना। तुम्हारी हंसी की आवाज को कॉलर ट्यून बनाकर रखूंगा, जो भी फोन करेगा उसके कान से खून खून निकल आएगा। वैसी कातिल हंसी है तुम्हारी। हम जल्दी से शादी कर लेंगे, फिर हम जंगल में छोटा घर बांधेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और हमारे बच्चे पापा पापा कहके पैरों के पास खेलेंगे। कितनी मस्त लाइफ होगी ना। हम दोनों सिर्फ छह बच्चे करेंगे। प्लीज झगड़ा मत करो ना यार। एक बागीचा संभालेगा और वहां से अंगूर लेकर आएगा, और एक खेत में पानी छोड़ने के लिए, एक खाना बनाने के लिए, और एक कार चलाने के लिए, एक बैलगाड़ी चलाने के लिए, और आखिरी वाला पता है सिर्फ ड्रिंक्स लाने के लिए। हम दोनों हमारे बच्चों के साथ गार्डन में खेलते रहेंगे। वो कहते हैं ना, छोटा परिवार और सुखी परिवार। ओह, हाउ इज माय फ्यूचर प्लान? और हम दोनों हनीमून के लिए हिमालय पर जाएंगे, क्योंकि वहाँ
बहुत ही ठंड होती है ना। पापा। क्या पापा? डरा रही हो क्या? तेरे पापा कोई अंडरटेकर नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। सपना था सूर्या, कहाँ गया ये सूर्या? सूर्या, मेरे बाप रे, ये तो वही कर रहा है। इसका बाप कहाँ है? बुधिया, उस लड़के सूर्या के ऊपर अपनी पूरी नजर रखना, ठीक है ना? ए, तू यहाँ खड़ा होकर क्या कर रहा है? कुछ नहीं, ऐसे ही। अंकल, ये क्या कर रहा था तू? क्या कर रहा था बता? अंकल छोड़िए ना, आंखों में कचरा गया था वो निकाल रहा था, और क्या? क्या हुआ बेटी, कचरा चला गया? दिखा मुझे, दिखा बेटी। कचरा निकाल दिया, आप क्या निकालोगे? ये पापा करके बुलाती है, आप बेटी करके आते हो। पापा बेटी, पापा बेटी, एक नंबर जोड़ी है। बाप नंबर वन का अवार्ड आपको मिलना चाहिए। हे भगवान, वो भी बच गया, मैं भी बच गया। बात नहीं कर सकता ना? बात करनी है, आंखें बंद कर, हाथ जोड़, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गोल घूम जा, घूमते रहे तू। थोड़ा इधर दबा साहब जी। हमारी नंदिनी बेटी के लिए ये लड़का कैसा रहेगा? अच्छे घर से है, फॉरेन में काम करता है, अच्छा कमाता है साहब जी। ए बुधिया, ये देखना, लड़का बहुत अच्छा लग रहा है ना? मेरी बेटी के साथ इसकी जोड़ी बहुत अच्छी है। लेकिन परमेश्वर जी, साहब जी, नंदिनी की खुशी के खिलाफ मैं कुछ भी नहीं करूंगा। उसके फैसले के बाद ही मैं अपना फैसला लूंगा। जाओ जाओ। ठीक है साहब जी। मैं अपने गांव पहुंच गई हूँ, और बता तू कैसी है? ओह ओके ओके ओके, ठीक है। घर में सब कैसे हैं? शादी की तैयारी कैसे चल रही है? ए बीवी, हेलो, ये बीवी बीवी कह के मुझे बुलाते वक्त अगर भैया जी ने सुन लिया ना तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले मुझे एक ब्लेड दे दो। क्यों ये मत पूछना। क्यों? क्यों ये मत पूछना बोला ना। जाओ, मरने से पहले एक बार शेव करनी है मुझे। हेलो, तुम मेरे भैया को अच्छे से जानते नहीं हो क्या? उनके बारे में सब कुछ पता चल गया है, लेकिन इस वक्त उनके बारे में बात करना ठीक नहीं है। ओके, टाइम वेस्ट, रात को बात करते हैं। और आज तो तुम्हारे पापा को एक इंटरनेशनल किसी लड़के का फोटो दिखा रहे थे, फॉरेन में पानी पूरी बेचता है, तुमसे शादी करवाने की बात हो रही थी। ओए, हमारे प्यार के बारे में सिर्फ हम ही जानते हैं। तुम्हारा दिल हमेशा मेरे लिए धड़कता है और धड़कता रहेगा, है ना? सूर्या, वो पानी पूरी बेचे या वड़ा पाव, वो जैसे भी है मेरे होने वाले पति हैं। पापा? अरे अरे अरे, मेरी प्यारी बेटी, क्या बात है? पापा, आप जिस लड़के को पसंद करेंगे मैं उसी से ही शादी करूंगी। सच में? सुन लिया इसने क्या कहा? जिससे मैं चाहूंगा उसी से शादी करेंगी। ठीक है बेटी, ठीक है बेटी। ए परमेश्वर जी, साहब जी, अरे जल्दी से लड़के वालों को यहाँ बुला लो। ठीक है साहब जी, इस बार हम लोग ये शादी पक्की कर ही लेते हैं। जी साहब जी। मैं देखता हूँ ना यहाँ कौन आता है। वैसे भी मुझे सिर्फ 3 दिन हुए, बाकी के 3 दिन का क्या? ले 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 ले, वेरी क्यूट डैडी एंड क्यूट बेबी। आपको लगता है यहाँ कोई भी आ जाएगा और इससे शादी कर लेगा और मैं आराम से चॉकलेट खाते हुए देखता रहूंगा? अंकल, मैं यहाँ रह रहा हूँ 7 दिनों के लिए, वेटिंग में हूँ,
बी केयरफुल, आई एम अ वेरी बैड मैन, नहीं तो मुझे गांव वालों को बुलाकर न्याय मांगना पड़ेगा। सात दिन तो क्या, सात महीने दूंगा तब भी तू ये प्यार प्रूव नहीं कर पाएगा। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, जाओ जाके मांगो। उप्स, सॉरी 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 सॉरी। सूर्या छोड़ो, जाने तो मुझे प्लीज। कुछ भी हो जाए सच बोलना पड़ेगा। बोलो तुम मुझे प्यार करती हो या नहीं, तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। मुझसे एक गलती क्या हो गई, उसी गलती को लेकर आज तक टॉर्चर कर रही हो। नहीं तुमने जोकर समझ रखा है क्या। बहुत हुआ, आज हम दोनों के बीच फैसला होना ही चाहिए। प्लीज नंदिनी, टेल मी यू लव मी। मैंने पहले भी तुम्हें कहा है नो। प्लीज नंदिनी, देखो तुम खुद को धोखा दे रही हो। प्लीज प्लीज नंदिनी, प्लीज छोड़ो, प्लीज छोड़ो, प्लीज। आई हेट यू। बुधिया, ये लड़का बहुत सीधा साधा और अच्छा है। मैं जानता हूं मेरी बेटी भी उसे बहुत पसंद करती है, लेकिन मेरे प्यार की वजह से वो इस लड़के से प्यार न करने का नाटक कर रही है। एक बाप होकर भी मैं अपनी बेटी की इच्छाओं का पता नहीं कर सका। मुझे भी अब उस लड़के से थोड़ा थोड़ा लगाव सा होने लगा है बुधिया। इस गौड़ा की बेटी ने पूरे गांव के सामने उसने ये कहा कि वो उस लड़के को नहीं चाहती। अब अगर उस लड़के से वो शादी करती है तो गांव में सर उठाकर जी पाएंगे। मेरी ये हार मेरी मौत से बदतर होगी। ये घोड़ा आज तक अपना सर उठाकर जीता आया है, अब समय आ गया है कि उसे सर झुकाकर जीना पड़ेगा। पापा। हेलो, क्या हुआ, बोल सूर्या। ए, जब से तू समझदार हुआ है मैंने तेरी आंखों में आंसू नहीं देखे। तू रो मत बेटा, कौन है वो, कौन है वो जो तुझे रुला रहा है, बोल सूर्या। ठीक है मैं वहीं आता हूँ। नहीं पापा, मैं कल ही घर वापस आ रहा हूँ। पापा जैसा आपने सोचा था मैं फेल हो गया। मैंने सारी कोशिशें की, उन्होंने मना कर दिया। वो सोच रहे कि उनकी बेटी की शादी मेरे साथ नहीं किसी और के साथ होनी चाहिए। मेरा दिमाग ठिकाने आ गया है। उन्होंने भी सही कहा है, अपनी बेटी को उन्होंने लाड प्यार से पाला है, और उनकी बेटी को एक छोटी सी चोट भी लगे तो दर्द उनके पापा को होता है। मैंने खुद देखा। पापा ये बच्चे बहुत ही स्वार्थी क्यों होते हैं, हा? बड़ा होने तक सुबह शाम मम्मी पापा मम्मी पापा, और उसके बाद लाइफ में अगर कोई आ जाए फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, फिर चाहे कुछ भी हो जाए
माँ और बाप को खुद से दूर कर देते हैं और बच्चे उसके बाद उनको छोड़ देते हैं। जो हो रहा है ठीक हो रहा है। मैं वहां आता हूँ बेटा। नहीं पापा नहीं, 4 दिन नहीं रह सका मैं तुम्हें छोड़कर। और नंदिनी, उसे तो उसके पापा ने बचपन से आज तक पाल पोस कर बड़ा किया, तो उनको दुख तो होगा। हाँ ये तो कैसी बातें कर रहा है? ए, क्या हुआ सुरिया? सुरिया सुरिया, I am very sorry. मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा सताया। पापा से मैं बात करूंगी। I really love you. I really love you, सूर्या। I love you so much. सूर्या, I love you so much. सूर्या, I love you so much. सूर्या। हे नंदिनी, तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तुम्हें रोना नहीं चाहिए। और तुम्हारे पिताजी की हार नहीं हुई है। मुझे यहां नहीं रहना है। मैं बहुत ही छोटा हूं, दिमाग से, प्यार से, हर तरह से। तुम्हें खुश रहना चाहिए। यू शुड बी हैप्पी सूर्या। ओके, टेक केयर सूर्या। प्लीज सूर्या। मुझसे गलती हो गई साहब, मुझसे गलती हो गई। मेरे पति ने वो सोने की चेन चुराई थी, मुझे पता चल गया। अपने पति की झूठी बातों में आकर अपनी प्यारी सगी बहन जैसी गौरी पर चोरी का इल्जाम लगाया साहब। तुम इस तरह मुझसे जो माफी मांग रही हो उससे क्या होगा? अपनी बहन से माफी मांगो तुम, अगर वो तुम्हें माफ कर देती है तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन तुम्हारे प्रति उसका जो प्यार विश्वास था वो उसे नहीं लौटा पाओगे। उसके दिल को जो तुमने चोट पहुंचाई है उसके लिए तुम्हारे पास कोई मरहम है क्या? गौरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो गौरी। जो हो गया उसे भूल जाओ दीदी। मैं हार गया अंकल। आपकी बेटी नंदिनी मुझे चाहती है ये प्रूव करने में मैं हार गया। इस हार और दर्द के बारे में मुझे अनुभव नहीं था। एग्जाम में फेल तो हुआ था पर हारा नहीं था। लेकिन आज आज मैं हार गया हूं, बुरी तरह हार गया हूं। मेरे प्यार को मैं रोकर भीख में मांगूंगा तो भिखारी कहलाऊंगा, अगर मैं छीन कर ले गया ना तो हैवान कहलाऊंगा। मैं तो एक आम इंसान हूं अंकल। मैंने सोचा था कि आप और आपकी बेटी मुझे दोनों प्यार से और दिल से स्वीकार लेंगे। मैंने मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई बात नहीं, मुझसे भी अच्छे 1000 लड़के मिलेंगे नंदिनी को। लेकिन मुझे नंदिनी जैसी लड़की और आप जैसे ससुर नहीं मिलेंगे किसी जन्म में। और आप जैसे पिता अच्छे कर्म करने पर ही सिर्फ अच्छे इंसान को मिलते हैं। बाप का प्यार क्या होता है मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं नंदिनी के बारे में कुछ भी बोलकर उसका दिल दुखाना नहीं चाहता। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो माफी मांगने के लायक भी नहीं हूं। मेरे लायक आपके दिल में जो भी सजा हो, मुझे हर सजा मंजूर है, मैं उसी लायक हूँ। हमारी नंदिनी के बारे में ऐसी वैसी बात बोलकर तूने हमारे पापा को चैलेंज किया था ना, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। श्याम, पापा जाओ, तुम्हारे मन में जो पश्चाताप की भावना है
वही तुम्हारी सजा है। आप लोग भी जा सकते हैं। अंकल भाई हेलो बोलिए पटेल जी। ठीक है पटेल जी, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। ठीक है सुनो परमेश्वर जी साहब, मेरी बेटी की सगाई के लिए सारी तैयारियां शुरू कर दो जी साहब जी। आने जाने वालों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। त्योहार है, त्योहार मनाओ सब। मुझे माफ करना दोस्त, पहले मैं तुझसे बहुत जलता था। मुझे डर था कि नंदिनी को तुम मुझसे छीन लेगा, लेकिन तू तो बहुत अच्छा है। प्यार क्या होता है ये मैं पहले नहीं समझ पाया था, लेकिन प्यार क्या है ये तूने मुझे समझा दिया। तू महान है मेरे दोस्त। नंदिनी तुझे मिल नहीं सकी इसका मुझे बहुत दुख है और हमेशा मुझे दुख रहेगा। दोस्त अब दुश्मनी का क्या फायदा। हाथ मिला मेरे दोस्त। यार ये देखने से तो गलत आदमी ही लगता है, दोस्ती के लायक नहीं है ये। बाकी तेरी मर्जी। नंदिनी कहीं भी रहे बस वो हमेशा खुश रहे। जिंदगी में एक बार तेरा प्यार फेल हुआ है, उसके लिए मैं छोटी सी पार्टी दे रहा हूं तुझे, मना मत करना। हाँ दारू पार्टी है तो ठीक है। लव फेलियर्स पार्टी। पार्टी का बोल के हमको कहाँ ले आया ये? कहीं पार्टी के नाम पर हमारा लीवर किडनी तो नहीं निकाल ले गई है? भाई मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लव में फेल होने की फीलिंग क्या होती है ये तो तू ही जानता है, इसलिए इस वक्त यहाँ पर कोई और नजर नहीं आना चाहिए। नंदिनी से प्यार करता है ना तू? हाँ hey! Oh
तूने हमारी नंदिनी पर आंख डाल के बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती के लिए मुझे तुझे पहले ही मार देना चाहिए था, लेकिन पापा ने मुझे रोक कर रखा था। लेकिन आज तू अकेला मिला है, शाम शाम ऐसे प्यार से बुलाकर मुझे चुप बैठने पर मजबूर किया। पापा को भी देख लूंगा, अगर तुझसे शादी करने के लिए नंदिनी ने जिद की ना तो उसे भी मार डालूंगा। डर गया ना, ये मौत खतरनाक होती है, फिर भी मरने का डर सबको लगता है, क्योंकि जिंदा रहोगे तभी प्यार कर पाओगे ना। चलो उठ, चल साथ में मरते हैं, उसके पहले हमें चार जन को ढूंढना पड़ेगा ना, कांधे पर उठाने के बाद जलाने के लिए चार जन चाहिए ना। दोस्त बोलकर दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, आया बड़ा तो मार डालेगा, मुझे पता था, फिर भी मैंने दोस्ती की। तुझे से सालों से चाहता है उस लड़की को, अगर मैं चार दिन में आकर ले जाऊंगा तो तुझे गुस्सा आना तो जायज है, तेरी जगह मैं होता तो मुझे भी यही एहसास होता, लेकिन सच्चे प्यार को छीन कर नहीं दिल से हासिल करना चाहिए। प्यार एक पवित्र चीज होती है, उसे जबरदस्ती से पाया नहीं जाता। प्यार कोई खिलौना नहीं है, अगर प्यार नहीं मिला तो उसे मार डालूंगा बोला था, यही है तेरा प्यार। अगर वो लड़की तुझे नहीं चाहती तो उसे छोड़ दे, वो जिसे चाहती है उसके साथ जाएगी, उससे शादी करेगी, उससे तेरे दिल को सुकून मिलेगा, उस खुशी में ही बड़ी खुशी है, उसे त्याग मत समझना, दर्द होगा, सोच कि वो तेरी किस्मत में थी नहीं। हैप्पी, दिमाग का इस्तेमाल कर दोस्त, सोचा था पहले पिलाएगा उसके बाद मारेगा, धोखा दे दिया ना, चल चलते हैं। Oh Nandini, oh Nandini, you're you know, my love. He's my friend. He's very brave. Oh Nandini.
हाय, आर यू सिंगल? आऊंगी, मारा मत, मस्ती कर रहा हूँ। बाय। छोड़ 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 ना, अरे छोड़ ना, मजाक मत करो। सूर्या, जस्ट लव, फील करो।